ध्यान किधर है तुम्हारा? जी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। लग तो नहीं रहा, क्या हुआ है? मेरी दोस्त की लाइफ बहुत क्राइसिस में है। अच्छा, ओके। उसका शौहर उसे चीट कर रहा है किसी और औरत के साथ। ओ, उसे कैसे पता चला? पता नहीं, बस चल गया। लेकिन वो बहुत अपसेट है। कोई इतना बड़ा इश्यू तो नहीं है? इस मुल्क में इस तरह के छोटे मोटे अफेयर तो मत चलाते रहते हैं, यू नो दैट। अपनी दोस्त से कहो, बात करें अपने शोहर से। अपसेट होने से तो कुछ नहीं होगा ना? छोटा मोटा अफेयर नहीं है, बहुत गहरा ताल्लुक है, शादी से भी पुराना। क्या हुआ? आप कहाँ सोच रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, तुम बता रही थी अपने दोस्त के बारे में। सो व्हाट नाउ? मुझे अफसोस है, मुझे बहुत दुख हुआ है कि उसके ऊपर चीट किया गया है। चीट तो वो दूसरी औरत को कर रहा है ना, तुम्हारी दोस्त को तो उसने बीवी बनाया है, इज्जत दी है, उसके साथ मिलकर घर बनाया है। तकलीफ तो दूसरी औरत को होनी चाहिए। दिल में कोई और घर में कोई और, ये कैसा लाइफस्टाइल है? होता है कुकी, कभी कभी ना चाहते हुए भी ऐसा होता है लाइफ में। अपने दोस्त से कहो, बात करें अपने शौहर से, हालात से समझौता करें। समझौते का तो नाम भी सुनने को तैयार नहीं है वो। अच्छा तो फिर क्या चाहती हो? डिवोर्स? कुछ मसाइल हैं जिनकी वजह से डिवोर्स नहीं ले सकती। तो फिर इश्यू क्या है? वो अपने शोहर को सजा देना चाहती है। ऐसी सजा? घर से भाग के। ये क्या बेवकूफाना सजा है? उसके दिमाग में तो ऐसी ही बेवकूफाना बातें आ रही हैं। और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत भी नहीं है।